वेलकम बैक टू ई टेक। एनिमेशन टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन का एक बहुत अहम हिस्सा है, मगर आखिर एनिमेशन इंडस्ट्री में आगे क्या होने जा रहा है, ये आज हमें बताएंगे हमारे इनोवेटर मुकीम खान। लेट्स चेक इट आउट। द ड्रीम इज ऑलवेज द सेम, और इसमें आप देखते हैं कि मैंने अपने फेस को फ्यूचर के अंदर ज़्यादातर शायद वर्चुअल कैरेक्टर्स होंगे और हमें उनको हायर करने की ज़रूरत भी ना हो शायद। तो ये अभी स्टार्ट हैं, मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज आ रही हैं इसमें। यहाँ पे मेरा फेस जो है डिफॉर्म हो रहा है एक देव की शक्ल में, बेस्ड ऑन उसकी जो अगर मेरे मुँह से कोई भी आवाज़ या अगर आपके पास से कोई आवाज़ निकलती है, अगर आप देखें हम खामोश हो जाते हैं कुछ नहीं, मगर जब हम बोलते हैं तो उस बेस के ऊपर डिफॉर्म होता है और हमारी शक्ल एक देव की तरह बन जाती है। एक मेरा शॉट था, मैं आपको उस शॉट के बारे में बताऊं। उस शॉट में हमें फाइनल फैंटेसी के अंदर आपने देखा होगा एक स्केप पॉड है, वो आता है जहाज़ है, वो जहाज़ ऊपर से नीचे आता है और वो फिर टम्बल होता है और वो उसके बाद लोगों की तरफ जाता है, वो सारे लोग डिजिटल हैं, वो फिर ख़त्म हो जाता है। उस शॉट के अंदर जब पहले मेरे पास शॉट आया तो मैं सोचा यार इसको ज़बरदस्त अंदाज में इसको ना तबाह बर्बाद करना है इस जहाज़ को, तो ताकि लगे के एक्ट लगे के मज़ेदार। तो मैंने उस जहाज़ का वेट को देखते हुए उसको ज़मीन पे ला के उसके कंक्रीट को उधेड़ा और उसके बाद वहाँ से फिर लोगों की तरफ वो गया और लोगों को उसने दो चार लोगों को उसने वो किया, ख़त्म किया और वहाँ से लोग गए और बहुत ही ज़बरदस्त डिस्ट्रक्शन हुई। तो उसके बाद कोलम्बिया पिक्चर ने कहा कि दिस इज़ व्हाट यू कैन नॉट डू दैट, वो द रीज़न व्हाई बिकॉज के वो PG-13 है, उसमें आप लोगों को मरता हुआ इस तरह से नहीं दिखा सकते हैं। तो वहाँ पे भी एक बाउंड्रीज आपकी आ जाती हैं, एक लिमिटेशन आती है कि आपको उस अंदाज से दिखाना होता है जो कॉन्टेंट स्टोरी के अंदर वो फिट बैठ सके। अगर मैं अपनी आँखों के साथ तो ये अलाइन हो जाती हैं और फिर एक तरह से कहीं भी मैं मूव करता हूँ ऑब्जेक्ट तो वो ऑब्जेक्ट उसके साथ मूव करता है और फिर मैं हटा भी सकता हूँ। मगर अमेजिंगली मेरे हाथ में कोई चीज़ नहीं है, मेरे साथ कंप्यूटर से कोई लिंक नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कंप्यूटर विजन कि उसको किस तरह से वो डिटेक्ट कर रहा है और कहाँ पे पास। अगर ये एक मार्कर है जिस मार्कर के अंदर मैं कंप्यूटर जो है मेरी उस मार्कर को देखते हुए लाइंस बना रहा है, उसके डिस्टेंस से मैं उसकी लाइंस की थिकनेस को कंट्रोल कर रहा हूँ, और अगर मैं दूसरा मार्कर दिखाता हूँ तो सारी लाइंस जो हैं वो चली गई, वो इरेज हो जाती हैं। तो एक छोटा सा बच्चा जो 5-6 साल का 8 साल का या 10-15 बच्चे मुख्तलिफ लाइंस बना सकते हैं, मुख्तलिफ एनिमेशन बना सकते हैं। अच्छा, जब ये टेक्नोलॉजी आपको जब इतनी ज़्यादा तादाद में और मुख्तलिफ नौयत की टेक्नोलॉजी जब चारों तरफ होती हैं तो वो आपको एक तरह से कंटेंट जो डेवलप होना चाहिए उससे दूर करती हैं और फिर आप उन टेक्नोलॉजीज़ के पीछे भागने की कोशिश करते हैं। मैं एक बड़ी अजीब सी बात कहूँगा कि एक्सपर्टीज़ जो है ना इंसान को ज़रा सा मगरूर भी बनाती हैं, एक्सपर्टीज़ जो है इंसान को रिजिडनेस लेके आती हैं। तो जब आप दूसरी चीज़ कोई और चीज़ सीखते हैं तो आप हम्बल हो जाते हैं, आप कहते हैं कि हाँ आप ये भी मुझे सीखना है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। इंसान की बहुत बड़ी ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उसे दूसरी चीज़ें सीखने का उसमें एक जज्बा होना चाहिए। ख़ास तौर पर जब आप एक्सपर्टीज़ को आप बहुत एलिवेट करते हैं तो वो उसमें अपनी रिजिडनेस आ जाती है। तो इसी तरह अगर आप एक टूल सीख रहे हैं, मैं आप एनिमेशन की तरफ लेके आता हूँ इसको, तो आप वो सिखाएं दूसरे को और आगे बढ़ जाएं, वो सीखें फिर सिखाएं और आगे बढ़ें, उससे आप जो हैं आगे बढ़ते रहेंगे और मुख्तलिफ़ चीज़ें सीखते रहेंगे। डिजिटल जो पूरी दुनिया है वो काफ़ी धोखेबाज दुनिया है, तो
कभी यकीन ना करें। हमारे पास वो लैंग्वेज अभी तक डेवलप नहीं हो पाई है। अगर आप जापनीज एनिमेशन देखते हैं तो वो उनकी अपनी अलग लैंग्वेज है और उसके ऊपर उन्होंने काम किया है। और यकीनन यहाँ पे बहुत अच्छे एनिमेटर्स भी हैं हमारे पास। आप मैं हैरान होता हूँ, इतने अच्छे अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे। तो आहिस्ता आहिस्ता वो लैंग्वेज हमें डेवलप करनी पड़ेगी और कर भी रहे हैं। और फिर हम देखेंगे कि उनमें फिर हम डिस्टिंग्विश हो सकते हैं कि हाँ, ये एक बड़े सखीर की एक एनिमेशन है। We'll take you. All right, everybody, here they come. Fire in the hole. No! तो ये था आज का E-Tech. I hope you guys enjoyed it. साथ ही में अगर आपने कोई ऐसी इनोवेशन बनाई है जो आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, या आपके पास ऐसे कोई टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसका आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, यू कैन राइट इन टू अस एट e-tech@expressnews.tv या फेसबुक पर आप हमारा फैन पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। दिस हिबा साइनिंग ऑफ, सी यू ऑल नेक्स्ट वीक।